दरअसल जब रूबीना दिल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है तो कैमरा के पीछे बैठे हुए लोगों पर बड़ी अतार लगाती है। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल हर किसी का यही कहना है कि बिग बॉस मेकर्स की वजह से ही राखी सावंत को इतना बढ़ावा मिलता है। अब जहां एक तरफ राखी सावंत ने रूबीना दिल्ले को भी कहीं ना कहीं प्रवोक किया, उन्होंने अभिनव शुक्ला को भी प्रवोक किया, जबकि मेरे ख्याल से अभिनव शुक्ला को प्रवोक किया लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अभिनव शुक्ला वहां पर मौजूद है। तो दिस वन इज बाय मिस्टेक एंड राखी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाय चांस वाली बात है कि अभिनव शुक्ला ने वो बात को सुन लिया। एंड आई थिंक देबू रीना शायद से अभिनव को ये बात कभी बताती भी नहीं कि भाई राखी ने आपके लिए कुछ ऐसा बोला है। सो यहाँ पर जिस तरीके से हुई, फिर रूबीना काफी गुस्से में थी, फिर रूबीना किचन एरिया में आई, वहां पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आप लोगों की वजह से, आप जो कैमरा के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जब भी हम कुछ करते हैं आप हमारा तो दिखा देते हैं लेकिन राखी क्या कर रही होती है आप वो नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव बन जाते हैं और वो सिंपथी गेन करके चली जाती है। तो ये बात तो सही है, एडिट में देखिए जितना आप दिखाएंगे उतना दिखेगा, लेकिन यहाँ पर फर्क ये पड़ जाता है कि आखिरकार सिर्फ राखी सावंत की साइड्स को ही क्यों देखा जाए। अब देखिए लाइव फीड में भी कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीजों को कट कर दिया जाता है, लिख तो देते हैं नो एडिट, नो नथिंग चेंज, इस तरीके की चीजें लिख तो देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसे ही बिग बॉस के घर वाले कंटेस्टेंट को जैसी बात बोलते हैं तो म्यूट भी कर देते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के हिसाब से रूबीना दिल्ले ने जो ये बात कही है कि मेकर्स की वजह से राखी सावंत को इतना बढ़ावा मिल रहा है, ये राय, इस पर आप लोगों की क्या राय है? बाकी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपनी राय, विचार, राय जो भी आपको बताना हो सब बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिले सारी की सारी खबरें ऑन टाइम।